बड़ी खबर इस समय पाकिस्तान से आ रही है और ये बहुत ही चिंताजनक खबर है जो पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में लगभग 50 लोग एक बड़े आतंकी हमले में मारे गए हैं और ये पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का जो इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, वहाँ पर ये बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है जिसने एक तरह से पाकिस्तान को भी हिला कर रख दिया है। वैसे तो पाकिस्तान खुद आतंक का एक गढ़ माना जाता है और आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनागाह माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान में आप जो अभी खबर आ रही है वो ये है कि करीब 50 शिया मुसलमानों को पाकिस्तान में बसों से, गाड़ियों से उतार उतार कर मौत के घाट उतार दिया गया। और ये जो गाड़ियों में और बसों में थे, ये पाराचिनार के इलाके से पेशावर जा रहे थे और एक बहुत महत्वपूर्ण ये हाईवे है खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर केपीके की राजधानी है खैबर पख्तूनख्वा की, तो पाराचिनार से पेशावर जा रही थी ये गाड़ियां। ये जो इलाका है यहाँ पर शिया सुन्नी हिंसा वैसे भी होती रहती है, लेकिन एहतियात बरतने का वहाँ प्रयास किया गया, लेकिन जो शिया बहुल इलाके हैं वहाँ पर लोगों का कहना है कि जिस तरह की सुरक्षा देनी चाहिए थी लोगों को, उस तरह की सुरक्षा नहीं दी गई। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कॉन्वॉय बनाकर गाड़ियों को भेजा जाता था इस हाईवे पर और काफ़ी समय तक हिंसा के बाद ये हाईवे बंद भी रखा गया था, लेकिन उसके बावजूद जब ये हाईवे खुला और गाड़ियों का एक कॉन्वॉय, एक काफिला जा रहा था, तो एक सुनसान इलाके में एक गाड़ी आई, उस गाड़ी ने कॉन्वॉय को ओवरटेक किया, कॉन्वॉय को रोका और उसमें से 4-6 लोग गाड़ियों से उतर कर आए। उनके चेहरे ढके हुए थे, उनके हाथों में ऑटोमेटिक राइफल्स थी और उनमें से उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जो खबर पाकिस्तान से आ रही है खुर्रम के इलाके से। अंधाधुंध उन्होंने बसों को, कारों को, जीपों को घेर के गोलियां चलाना शुरू किया और फिर जो आसपास उनके बाकी साथी वहां छिपे थे वो निकल कर आए और उन्होंने जितनी ये गाड़ियां उनके कॉन्वॉय को जब रोका था, चारों तरफ से घेर के अंधाधुंध गोलियां चलाना उन गाड़ियों पर शुरू कर दिया। इसमें पुरुष थे, महिलाएं थी, कई बच्चे थे जो पेशावर जा रहे थे और उन सबको बहुत निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया। कुछ रिपोर्ट्स जो पाकिस्तान से आ रही है, हालांकि अभी खबरें बहुत ही छन छन कर आ रही हैं क्योंकि कुछ ही समय पहले ये घटना घटी है, जो खबरें छन छन कर आ रही हैं उसमें जानकारी ये आ रही है कि मैदानी इलाके से लोग निकल कर आए और उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दिया और लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 45 लोगों की तो पुष्टि प्रशासन ने फिलहाल कर दी है कि 45 लोग मारे गए, लेकिन उन 15 और क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। जो कुछ और लोकल रिपोर्ट्स आ रही हैं उनका कहना है कि मरने वालों का आंकड़ा 50 के पार पहुंच चुका है और दुर्भाग्यवश जो दुख भरी बात है वो ये है कि ये मरने वालों का आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ सकता है, ये 50 के कहीं ज़्यादा ऊपर हो सकता है, क्योंकि 10 से 15 लोग बेहद गंभीर रूप से घायल हैं, उनके बचने की उम्मीद कम ही नज़र आ रही है। 20 और लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, ये तब जब सारी खबर अभी सामने नहीं निकल पाई है। आप ये सोचिए, पाकिस्तान जब अगस्त 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक अलग देश बना और ये कहा गया कि मुसलमान पाकिस्तान में ही सुरक्षित रहेंगे, अब ये तो पाकिस्तान की आवाम को और वहाँ के नेताओं को ये उत्तर देने की आवश्यकता है कि क्या मुसलमान पाकिस्तान में सुरक्षित हैं या पाकिस्तान मुसलमानों के लिए भी सुरक्षित नहीं कि वहाँ पर मुसलमान ही मुसलमानों को इस तरह से मौत के घाट उतार रहे हैं। और ये इस तरह की पहली घटना नहीं है पाकिस्तान में। जुलाई के महीने में इसी खुर्रम के इलाके में एक ज़बरदस्त शिया सुन्नी हिंसा उस समय भी हुई थी और ये कोई ज़मीन को लेकर विवाद हुआ था और वहीं से ये जो राउंड ऑफ किलिंग्स है वो चली आ रही हैं। उस समय भी कई दिनों तक इस तरह की नृशंस हत्या वहाँ पर होती रही थी, लेकिन उस घटना में दोनों तरफ से, यानी शिया सुन्नी हिंसा में दोनों तरफ से करीब 50 लोग कुछ दिनों के अंतराल पर मारे गए थे और उसे एक लैंड डिस्प्यूट वहाँ के प्रशासन ने बताया। लेकिन ये एक ऐसा इलाका है जहाँ
तहरीके तालिबान पाकिस्तान अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पाकिस्तान की सरकार, हालांकि इमरान खान इसी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से आते हैं, यहाँ पर उनका कंट्रोल पाकिस्तान की सरकार का लगातार कम होता जा रहा है। अगर आपको पाकिस्तान के कुछ बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो यहाँ पर पाकिस्तान की सेना ने इस पूरे क्षेत्र में, चाहे आप नॉर्थ वजीरिस्तान की बात करें, साउथ वजीरिस्तान की बात करें, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस या खैबर पख्तूनख्वा के इस पूरे क्षेत्र में, तो ज़रब अज़ब नाम का एक ऑपरेशन भी पाकिस्तान की सेना ने चलाया था, जब ये जो आतंकवादी संगठन है वो लगभग पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के 80 किलोमीटर दूर तक आ गए थे। और ज़र्बे अज़्ब के बाद अभी हाल के महीनों में भी पाकिस्तान की सेना ने कहा था कि एक और ऑपरेशन चलाने की आवश्यकता है। लेकिन इस तरह की ये जो हिंसा हो रही है ये किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, चाहे पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो, केपीके का, या फिर बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान में भी ज़बरदस्त हिंसा हो रही है। वहाँ पर पाकिस्तान की सेना जिस तरह से बर्बरता, सेना और सुरक्षा एजेंसियाँ जिस तरह की बर्बरता बलूचिस्तान की आवाम के साथ करती आई है, और वो भी दशकों से, कि वहाँ की आवाम अब उठ खड़ी हुई है पाकिस्तान के खिलाफ। उनका ये कहना है कि बलूचिस्तान एक अलग देश है और वो स्वतंत्रता चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं पाकिस्तान से। बलोच लिबरेशन आर्मी अलग है, बलोच लिबरेशन फ्रंट अलग है, और इस तरह के कई बलोच संगठन वहाँ पर खड़े हो गए हैं। अब पाकिस्तान की सेना की मुसीबतें और इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच लिबरेशन फोर्सेज ने हाथ मिला लिया है। तो अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना जब गई तो उस समय तो पाकिस्तान के DGISI बहुत प्रसन्न हुए थे, और DGISI तो खैर होटल सेरिना काबुल पहुंच चुके थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो उस समय के, या पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हो उस समय के, पाकिस्तान की आवाम, वो तो ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे असली स्वतंत्रता अमेरिका के जाने के बाद मिली है उस क्षेत्र को। जिस तरह के शब्द इमरान खान के थे या उनके आर्मी चीफ या डिफेंस मिनिस्टर के थे कि हकीकी हक और हकीकी आज़ादी अभी ही मिली है, तो उस हकीकी आज़ादी जिसको पाकिस्तान कहता है उसका खामियाजा अब पाकिस्तान भुगत भी रहा है। चेतावनी पाकिस्तान को काफी समय पहले हिलरी क्लिंटन जैसे नेताओं ने दे दी थी, जब हिलरी क्लिंटन अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, जब उन्होंने कहा था यू कैन नॉट कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट देम टू बाइट ओनली योर नेबर्स, कि आप सांप आस्तीन में पालकर नहीं रख सकते ये सोचकर कि वो केवल आपके पड़ोसी को डसेंगे। अब वही पाकिस्तान की आस्तीन में जो उनका नेशनल एसेट है आतंकवाद, वो उन्हीं को डस रहा है, और केवल खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, केवल किसी एक प्रांत में नहीं, बल्कि अगर आप देखें एक तरह से तो चीन ने तो अब साफ तौर पर कह दिया है, जो चीन पाकिस्तान का हायर देन माउंटेंस और डीपर देन ओशंस मित्र है, कि वो पाकिस्तान से बहुत नाराज़ है। पाकिस्तान की सेना चीनियों की, चीनी नागरिकों की रक्षा करने में बिल्कुल असफल रही है। बहुत अटैक्स हुए हैं, चाहे वो वहाँ पर दासू डैम के क्षेत्र में हुए हो, या इस्लामाबाद में हुए हो, या रावलपिंडी उसमें लाहौर में हुए हो कन्फ्यूशियस सेंटर में, या फिर अभी हाल में कराची के एयरपोर्ट के पास रहे हो जिसमें कई चीनी नागरिक मारे गए। तो अब चीन का तो कहना है उसे अपनी ही सेना, अपने ही सुरक्षा बल पाकिस्तान में भेजने पड़ेंगे ताकि वो पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की और चीनी एसेट्स की सुरक्षा कर सके। तो पाकिस्तान की सेना के लिए इससे बड़ा थप्पड़ क्या हो सकता है कि चीन को उन पर कोई विश्वास नहीं, और चीन अपनी सेना भेजना चाहती है अपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में अपने इंटरेस्ट की रक्षा के लिए। लेकिन यहाँ पर इससे भी और एक मूलभूत सवाल उठकर खड़ा होता है कि पाकिस्तान, क्या पाकिस्तानियों के लिए भी अब सुरक्षित नहीं रहा? जिस तरह से पाकिस्तान की सेना ने आतंकवाद को सहारा दिया, जिस तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान बैड तालिबान कहता है, वो पाकिस्तान TTP या तहरीके तालिबान पाकिस्तान लश्कर ए तैयबा के साथ ट्रेनिंग पा चुका है, वो लश्कर ए तैयबा जिसे पाकिस्तान अपना स्ट्रैटेजिक एसेट मानता है भारत के खिलाफ, तो या जैश ए मोहम्मद जैसा आतंकी संगठन,
तहरीके तालिबान पाकिस्तान तो NWFP या KPK के इलाके में है, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, एक दक्षिणी पंजाब सूबे में बहावलपुर में, तो दूसरा मुरीद के लाहौर के बिल्कुल निकट। तो ऐसी परिस्थिति में अगर KPK के तरह ये दोनों आतंकी संगठन भी पाकिस्तान के खिलाफ अगर करने लगे, अब जब ये कहा जाता है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता या लश्कर ए तैयबा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता, क्योंकि अब पाकिस्तान की सेना जिसने इस सांप को, आतंक के सांप को दशकों तक दूध पिलाया, अब वो सांप इतना ताकतवर हो गया है कि पाकिस्तान की सेना भी लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद से डरती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, लेट जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया कि जैश ए मोहम्मद नाम के आतंकी संगठन जिसका मसूद अजहर सरगना है, उसने जनरल परवेज मुशर्रफ को मारने की साजिश रची। परवेज मुशर्रफ की गाड़ी के रास्ते में बहुत बड़ा विस्फोटक वहां रख दिया था और उनको मारने के लिए असैसिनेट करने की कॉन्स्पिरेसी भी की। भारत ने जाकर, भारत की खुफिया एजेंसी ने जनरल मुशर्रफ को अलर्ट किया कि आपको मारने की साजिश हो रही है, उस कारण वो बच गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। क्यों? क्योंकि ISI ने कहा कि हमें जैश ए मोहम्मद की आवश्यकता है भारत के खिलाफ और इसीलिए इन पर कार्रवाई ना हो। अब आप सोचिए कितना नपुंसक देश हो गया है पाकिस्तान कि वो आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने में घबराता है, क्योंकि उन आतंकवादियों की मदद उसे चाहिए भारत के खिलाफ या अफगानिस्तान के खिलाफ या और देशों के खिलाफ। लंदन के 2005 के जो आतंकी हमले हुए थे, और उस समय मैं लंदन में था जब एक के बाद एक, चाहे किंग्स क्रॉस में या अलग अलग जगह पर टेरर अटैक हुए थे, सीरीज ऑफ टेरर अटैक्स हुए थे जिसमें लगभग 57 लोग मारे गए थे, वो और वो संख्या बाद में बढ़ भी गई थी। उस टेरर अटैक में भी पाकिस्तानी मूल के लोग शामिल थे। डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर हुसैन राणा लश्कर ए तैयबा के स्लीपर सेल अमेरिका और कनाडा में थे, जिनकी साजिश यूरोप के डेनमार्क में एक टेरर अटैक करने की थी। तो अब देखिए पाकिस्तानी आतंक के तार कहां कहां फैले हैं, लेकिन जड़ें फिर पाकिस्तान के अंदर ही मिलती हैं, कभी बहावलपुर में, कभी मुरीदके में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, और बलूचिस्तान में तो अब एक स्वतंत्रता का बड़ा आंदोलन चल ही रहा है। पाकिस्तान में अगर सेक्टेरियन वायलेंस की बात की जाए या शिया सुन्नी वायलेंस की बात की जाए, तो 240 मिलियन जो पूरी पॉपुलेशन है लगभग पाकिस्तान की, उसमें 15% शिया मुसलमान है, और वो 15% अब पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है। सोचिए हिंदुओं की स्थिति कितनी बद से बदतर है पाकिस्तान में, सिखों की स्थिति कितनी बद से बदतर है, ईसाइयों की स्थिति कितने बद से बदतर है, या अहमदियाओं की, जब पाकिस्तान में मुसलमान ही सुरक्षित नहीं है।